हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप यादव। आज का जो मैं वीडियो है दोस्तों, वो है हाउ टू कैलकुलेट पर्सेंटाइल। बेसिकली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पे, क्योंकि उनका एक रिक्वेस्ट आया था कि ये बताया जाए कि हम पर्सेंटाइल और जीपीए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं वीडियो इस पर बनाऊँगा, तो फिलहाल मैं आज वीडियो बना रहा हूँ कि पर्सेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, ये जो पर्सेंटाइल टर्म है, बेसिकली जब भी आप IIT या गेट मेन में या कैट का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बेसिकली उनका रिजल्ट डिस्प्ले होता है या रिजल्ट पब्लिश होता है, वो टर्म ऑफ पर्सेंटाइल में आता है कि आपका स्कोर कितने पर्सेंटाइल रहा। तो आज हम इसी सारी चीज़ों को बात करेंगे कि पर्सेंटाइल होता क्या है, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम दो चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, एक होता है परसेंटेज और एक होता है पर्सेंटाइल। देखिए दोस्तों, अगर हम सिंपल लैंग्वेज की बात करें, परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि आपका मैक्सिमम मार्क कितना था और आपने कितना स्कोर किया। सपोज किसी एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स 500 था और आपने स्कोर किया 350। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपने कितने परसेंटेज मार्क्स कैलकुलेट किए, तो आपको पता होगा आप ऐसे कैलकुलेट करते थे, हम लोग अपॉन 500 मीन्स 5 या आ गया 70, मीन्स आपका स्कोर रहा 70%। ये तो हो गया परसेंटेज। अगर इसी टर्म में हम पर्सेंटाइल की बात करें तो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए मैक्सिमम आप 500 है और आपने 350 स्कोर किया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका पर्सेंटाइल 70% होगा। पर्सेंटाइल हमेशा डिपेंड करता है कि आपने कितने परसेंट लोगों को पीछे छोड़ा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने 350 स्कोर किया, तो अब देखा जाता है कि 350 से कितने लोगों का नंबर कम रहा या इसके इक्वल रहा, उस पर डिपेंड करता है कि आपका पर्सेंटाइल क्या होगा। जैसे आपने सुना होगा कभी कभी कि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने गेट का पेपर दिया था, मेरा पर्सेंटाइल 98% था। तो 98% कहने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने 98% कैंडिडेट को पीछे छोड़ा है, या उनके जो मार्क्स हैं वो 98% कैंडिडेट के बराबर हैं या उनसे ज़्यादा हैं। करने का मतलब ये हुआ, अगर किसी का 99% पर्सेंटाइल है, इसका मतलब कि सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो उनसे ज़्यादा स्कोर किया हुआ है, बाकी 99% लोग उनसे पीछे हैं। तो पर्सेंटाइल बेसिकली उस पर कैलकुलेट होता है, न कि आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है और कितने में से किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उसमें ये पड़ता है कि कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे और आपने कितने स्टूडेंट को पीछे छोड़ा है, तो उस पर पर्सेंटाइल कैलकुलेट होता है। जैसे देखिए, पर्सेंटाइल स्कोर्स बेसिकली टेल्स कि यू हाउ यू हैव परफॉर्म रिलेटेड टू ऑल अदर कैंडिडेट हु अपीयर फॉर द एग्जाम। कहने का मतलब है कि पर्सेंटाइल स्कोर आपको ये बताता है कि आपने कैसा परफॉर्म किया है रिलेटेड टू ऑल अदर कैंडिडेट जो उस एग्ज़ाम में बैठे थे, उनके अपेक्षा या उनके कंपेयर में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। और ये परसेंटेज के सेम नहीं होता है, क्योंकि परसेंटेज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सपोज 500 का पेपर है, आपने 350 स्कोर किया है, तो इसके बेसिस पर आपका 70% कैलकुलेट हो गया। बट जैसे ही हम पर्सेंटाइल की बात करते हैं, वो बहुत ही डिफरेंट थिंग होता है कंपेयर टू परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज में ये नहीं बताता कि आपने कितने परसेंट बच्चों को छोड़ा है पीछे, जबकि पर्सेंटाइल इस पर डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट बैठे रहे, आपका स्कोर क्या है, और उस स्कोर के बेसिस पे आपने कितने परसेंट बच्चों को पीछे छोड़ा है, उसके बाद आपका पर्सेंटाइल कैलकुलेट होता है कि आपका पर्सेंटाइल क्या रहा और कैसे आपने किया। तो इस वीडियो में सारी चीज़ आपको बताऊँगा। तो पहले तो ये हो गया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज क्या होता है, पर्सेंटाइल क्या होता है। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि देखिए, द पर्सेंटाइल स्कोर इंडिकेट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द एग्जाम हैव स्कोर इक्वल टू और लेस देन द स्कोर यू सिक्योर्ड। ये पर्सेंटाइल ये बताता है कि जो आपने स्कोर सिक्योर किया है, कितने परसेंट लोग आपके इक्वल रहे या आपसे पीछे रहे, तो पर्सेंटाइल ये बताता है। जैसे अगर आपका स्कोर 78% है, इसका मतलब है कि आपने 78% बच्चों को पीछे छोड़ा है। 99 है मतलब 99% बच्चों को आपने पीछे छोड़ा है, मतलब उनसे आप आगे हो। सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं कि जो आपसे ज़्यादा हैं। तो ये बेसिकली हमारा पर्सेंटाइल है। और देखा जाए तो गेट, IIT मेन, कैट, कुछ अदर भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिनका स्कोर पर्सेंटाइल में आता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि पर्सेंटाइल स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है। तो बेसिकली उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है,
वो होता है परसेंटाइल स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कैंडिडेट who scored actual score equal or less than the candidate upon total number of candidate who appeared in the examination. तो दोस्तों बेसिकली एक एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी स्कोर का परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को अभी फ़िलहाल इसके लिए छोड़ देते हैं, अब हम एक स्टूडेंट का कैलकुलेट करते हैं कि मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है ABCD, हम कोई भी एग्ज़ाम ले लेते हैं, ये हमारा एग्जामिनेशन है। इसमें जो स्टूडेंट अपीयर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इक्वल टू 1000। चलिए हमने एज्यूम कर लिया कि एक हमारा ABC कोई एग्ज़ाम है जिसमें हमारे 1000 स्टूडेंट अपीयर हुए। अब जो टोटल मार्क्स एग्जामिनेशन का था वो था 500, ये 500 का एग्ज़ाम है जिसमें 1000 बच्चे अपीयर हुए। जो हमारा टॉपर स्टूडेंट है, जिसने एग्ज़ाम को टॉप किया, टॉपर स्टूडेंट, उसने स्कोर किया 400 आउट ऑफ 500। देखा जाए तो इसके परसेंटेज हुए 80, ये हमारा हो गया परसेंटेज मार्क्स, इसको लिख देते हैं परसेंटाइल। दोनों में डिफरेंस आपको बता दूंगा मैं। तो ये हो गया कि जो हमारा टॉपर स्टूडेंट है उसने स्कोर किया 405। अब देखा जाए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क इक्वल टू 1, क्योंकि एक ही बच्चा है जिसने हाईएस्ट मार्क स्कोर किया है। मान लीजिए वो है हमारा कैंडिडेट ए, सपोज हमने एग्जांपल लिया ए कैंडिडेट है जिसने 400 स्कोर किया, जो कि हमारा हाईएस्ट मार्क है। तो एक ही स्टूडेंट है जिसने हाईएस्ट मार्क स्कोर किया। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव secured equal or less than 400, that is 1000 student. हमने कहा equal या less than। देखिए कंडीशन क्या है कि एक हमारा ABC एग्जामिनेशन है जो टोटल 500 मार्क्स का है। इस एग्जाम में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर है दैट इज 1000 स्टूडेंट। जो हमारा टॉपर स्टूडेंट है उसने स्कोर किया है 400 out of 500। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर हाईएस्ट मार्क 1, एक बच्चा है जिसने हाईएस्ट मार्क स्कोर किया है, मान लेते हैं कि वो स्टूडेंट ए है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर इक्वल या लेस देन 400, इक्वल या लेस देन, क्योंकि हमारा 400 तो हाईएस्ट हो गया तो इसके इक्वल एक बच्चा है और लेस देन 999 हो गए, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 1000, ये हो गया। अब मान लेते हैं मार्क्स सिक्योर्ड मार्क स्कोर्ड बाई ए कैंडिडेट बी इज
350। मान लेते हैं एक कोई कैंडिडेट है जिसने स्कोर किया है 350 आउट ऑफ 500, देखा जाए तो इसका परसेंटेज हुआ 70, बट हम परसेंटाइल की बात कर रहे हैं। अब ये कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड इक्वल और लेस देन 350 इज 850 स्टूडेंट। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने 350 के बराबर या इससे कम स्कोर किया है वो 850 है। तो ये सारी कैलकुलेशन हो गई है। अब हम बात करते हैं कि भाई परसेंटाइल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों परसेंटाइल करने का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूले को हम ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा कि परसेंटाइल ऑफ कैंडिडेट बी इक्वल टू हो जाएगा 100 इनटू, चलिए पहले हम परसेंटाइल ऑफ कैंडिडेट ए कैलकुलेट करते हैं, पहले ए देख लेते हैं फिर बी करते हैं। कैंडिडेट बी, उसके बाद आता है, देखना लिखा है नंबर ऑफ कैंडिडेट हु स्कोर एक्चुअल स्कोर लेस देन दैट इज 1000 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज आल्सो 1000। तो ये हो गया 100, तो इसका परसेंटाइल हो गया 100। जो यहाँ पे परसेंटेज था, यहाँ पे परसेंटाइल हो गया 100। इसका मतलब ये हुआ कि इसने 100% बच्चों को पीछे छोड़ा जिसका परसेंटाइल 100 है। नाउ अब हम बात करते हैं बी का, परसेंटाइल ऑफ बी। तो ये हो जाएगा 100 इनटू, देखिए 850 स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं, 850 स्टूडेंट ऐसे थे जो इसके इक्वल या लेस देन थे। तो यहाँ पे हो जाएगा 850 अपॉन टोटल स्टूडेंट 1000, ये हो गया आपका 10, ये हो गया 85। तो ये हो गया इसका परसेंटाइल। तो यहाँ पे जो 70% था बेसिकली ये हो गया 85%। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैंडिडेट बी ने 85% स्टूडेंट को पीछे छोड़ा। तो दोस्तों ये जो मेरा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूलो को फॉलोअप करके और इस एग्जाम्पल को एक बार दोबारा देख के या पढ़ के इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप किसी भी स्टूडेंट का किसी भी एग्जाम में परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, इसको एक रिकैप कर देता हूँ कि हम परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है 100 इनटू नंबर ऑफ कैंडिडेट हु सिक्योर्ड एक्चुअल स्कोर इक्वल या लेस देन द कैंडिडेट, उसके बाद आता है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन, ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि मान लीजिए ABC एग्जाम है, उसमें 500 मार्क्स का है, टोटल नंबर स्टूडेंट 1000 अपीयर हो रहे हैं, जो टॉपर ऑफ कैंडिडेट है उसका स्कोर है 400 आउट ऑफ 500, अगर परसेंटेज देखा जाए तो 80% हुआ। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर हाईएस्ट मार्क 1 है, जिसको हमने ज्यूम किया था कि ए है। अब ए से कितने बच्चे पीछे हैं या इसके इक्वल हैं, वो है 1000। अब वहीं पे हमने लिया था कि मान लीजिए एक दूसरा स्टूडेंट है बी, उसने 350 नंबर आउट ऑफ 500 से स्कोर किया, परसेंटेज 70 हो गया। अब उसने कितने पीछे बच्चों को छोड़ा, 850 को। तो जैसे ही हमें कैलकुलेट करना हुआ परसेंटाइल, तो हमने ए का भी बताया 100 इंटू कितने बच्चे हैं जो इसके इक्वल से पीछे स्कोर किया, 1000 बाई 1000 परसेंटाइल हो गए यहाँ पे 100, परसेंटेज 80 था बट परसेंटाइल हो गया 100। सेम केस हमने बी को कैलकुलेट किया 100 इंटू 850 वो स्टूडेंट है जो बी से कम या उसके बराबर हैं, नीचे है टोटल स्टूडेंट, तो कैलकुलेट करेंगे 85। तो इस केस में जो परसेंटाइल हो गया इसका 85 हो गया। तो इस फॉर्मूले को और इस एग्जाम्पल को देख के आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं
किसी भी स्टूडेंट का परसेंटाइल। देखिए दोस्तों, दिस मीन्स कि आउट ऑफ 1000 कैंडिडेट हु अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन 85% कैंडिडेट स्कोर लेस देन या इक्वल टू कैंडिडेट बी। इट ऑल्सो मीन्स कि ऑल अदर कैंडिडेट हैव स्कोर मोर देन कैंडिडेट बी। कहने का मतलब है, इस परसेंटाइल का मतलब ये हुआ कि 85% स्टूडेंट का जो स्कोर था वो बी के बराबर या बी से कम था, और बाकी जो रिमेनिंग 15% थे उनका जो स्कोर था वो बी से ज़्यादा था। तो दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी एग्ज़ाम का परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।